तो बात आज होगी उत्तराखंड में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। चुनाव अभी दूर है, मगर 24 के रण में पांचों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बकायदा रण बांकुरे कौन होंगे यह अभी तय नहीं है, मगर जिम्मेदारियां बांटकर संकेत दे दिया कि चुनावी तैयारियों में जुट जाओ। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस है, बीजेपी कह रही है कि कमजोर विपक्ष, संगठन के स्तर पर कांग्रेस अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही। प्रदेश अध्यक्ष तो मिल गए, लेकिन टीम का स्वरूप नहीं मिल पाया, और ऊपर से टिकट की मारामारी अलग, यानी कि दावेदारी इस बात को लेकर कि कौन सा दिग्गज हरिद्वार के रण में चुनाव लड़ेगा। वैसे इतिहास बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की कांटे की टक्कर पांचों लोकसभा पे होती है, मगर 2014 और 2019 बीजेपी ने क्लीन स्वीप की, 2009 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। तो आज इसी पर करेंगे बात कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या बनेगी बीजेपी की बात, पांचों सीटों पर क्या है बीजेपी का प्लान। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, जिसमें सबसे आगे बीजेपी नजर आ रही है और उसके मुकाबले विपक्षी दल बीजेपी से दो कदम पीछे दिख रहे हैं। बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की इस जंग के लिए 290,000 पन्ना प्रमुख पार्टी की तरफ से बना लिए गए हैं, जिसमें पार्टी ने बूथ पर भी अपनी डोलियों का गठन कर दिया है और इन बूथों पर पार्टी के 129,000 कार्यकर्ता अपना चुनाव प्रबंधन संभालते हुए नजर आएंगे। साथ ही बूथ टोलियों का हर सदस्य 5-5 लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेगा, ताकि चुनाव से पहले पार्टी के पास 20 लाख से ज्यादा ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हो जाए जो चुनाव में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करे और जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम करे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। बीजेपी ने अपनी बूथ कमेटियों के साथ साथ 4.5 लाख से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है, ताकि चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सके। अब बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर दावा कर रही है कि इस फॉर्मूले से जीत के द्वार पर भाजपा पहले पहुंचेगी, मगर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि कसरत जनता के आक्रोश के आगे कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के आपस में जो लड़ाइयां हैं, जो उनके यहाँ गुटबाजी है, उससे वो रचनात्मक विपक्ष और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पार्टी के भीतर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनको जनता के बीच में बने रहना चाहिए, जनता के बीच की समस्याओं का समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से, सरकार से प्रयास करना चाहिए। तो वो उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो चुकी है, जनता ने लगभग उनको नकार दिया है, इसलिए उनको ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे प्रदेश की जनता जानती है और देश की जनता भी जानती है। नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी कि हम काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये दुनिया भर की घोषणाएं उन्होंने की थी। उनका अगर ये फौज भी खड़ी कर लें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि जो सपने उन्होंने प्रदेश और देश की जनता को दिखाए वो किसी से अछूते नहीं है। आज अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो ये प्रदेश पहले हमारे कहाँ पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था, आज कौन से पायदान में चला गया। यहाँ की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में और अधिकारियों के बीच में ये हो गया कि CR कौन लिखेगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि इस क्षेत्र का विकास कौन करेगा, कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है। उत्तराखंड को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज तैयार करने के साथ साथ बूथों की जिम्मेदारी भी पार्टी विधायकों सांसदों को सौंप दी है। खैर, बीजेपी की मेहनत रंग लाती है या नहीं ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, मगर तैयारियों का नगाड़ा तो बज ही गया है।
मिशन 24 को पाने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन बीजेपी के सामने अन्य सियासी दल पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने संगठन और प्रकोष्ठों के अलावा बूथ कमेटियों का गठन कर चुकी है ताकि चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सके और उत्तराखंड की 5 सीटों पर फिर से जीत हासिल हो सके। कैमरामैन हसनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो बीजेपी की तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी का चेहरा है और शिषपाल बिच्ची कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मौसम बदल रहा है लेकिन उत्तराखंड की फिजाओं में भी ठंडक महसूस हो रही है। आप अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गए, वजह क्या है सर? सब ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संगठन की तैयारियां रखती है और 2024 के मिशन को लेकर के भी संगठन स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हमारा संकल्प है कि 2024 में उत्तराखंड में हम पहले की भांति 5 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन साथ ही हमारा संकल्प ये भी है कि यह विजय पिछले चुनाव के अपेक्षा और अधिक बढ़त के साथ हो, शानदार हो और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें देश के प्रधानमंत्री बने। जल्दबाजी समझ से परे है, कहीं बेचैनी तो नहीं है? नहीं, बेचैनी किसी प्रकार की नहीं है। हम क्या करते हैं कि आप लोग तो 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। जी जी, और हमारी जो आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका बड़ा कारण यही है कि हमारे संगठन की जो सक्रियता है, जो हमारे काम है, वो लगातार चलते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ रूटीन में, उसके बाद संगठन की नई रचना प्रारंभ। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जब से एक्टिव हुई है आप लोगों की चिंता बढ़ गई? नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई एक्टिविटी है ही नहीं। उनके यहाँ तो केवल एक एक्टिविटी है कि एक नेता दूसरे नेता को किस प्रकार से नीचा दिखाए। वह संगठन दिखाई नहीं दे रहा है, नेता जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल अपने व्यक्तिगत जो उनके आपने देखा नहीं, इनके अभी जो है प्रभारी भी आए थे और पर्यवेक्षक भी आए थे, सबने साथ मिलकर फोटो भी खिंचवाई, आपने नहीं देखी भसीन साहब? देखिए, फोटो देखी, लेकिन पूनिया जी के जाने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस का और बिखराव सामने आया, हाँ। जिस प्रकार से उत्तराखंड के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौतियां दी है, उससे साफा बिखराव है। अभी हरीश रावत जी की पुस्तक का रिलीज हुआ, उसमें भी जो है गुटबंदी दिखाई दे रही थी, हर स्थान पर गुटबंदी दिखाई देती है और हरिद्वार लोकसभा सीट पर तो बहुत ही ज्यादा मल्ल युद्ध चल रहा है। तो कांग्रेस बिखरी हुई है, संगठन नाम की चीज नहीं है, नेतृत्व का इनके पास अभाव है और कार्यक्रम इनके पास कोई नहीं, और जहां की सरकारें रही वहां पर भी ये हमेशा जो अस्त व्यस्त रहे, और उत्तराखंड की जनता तो इनके भ्रष्टाचार को सहन करके इनको नकार चुकी है। ठीक, बेसी वो ये कह रहे हैं हमसे लड़ोगे तो बाद में, पहले ये तो बताओ कि टीम कहाँ है, लड़ना किससे है? करण महाराज जी की टीम बन गई क्या पूरी? देखो तिलक जी, आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी ज्यादा उत्साह में मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी चुनावी तैयारियां ज्यादा हो, मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी चुनावी तैयारियां अपनी जगह पुख्ता है। हमारे भी बूथ लेवल के जो है गठन पहले ही हो चुके हैं और उनमें जो कमियां है उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वो लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे टीम बन गई क्या? जिस तरीके से आपकी टीम बन गई क्या? आदरणीय राहुल गांधी के साथ देश के जनता ने विश्वास व्यक्त किया, युवा वर्ग महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी और लगातार उसके बाद जो कार्यक्रम आए देश में चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, करण महाराज जी की टीम बन गई क्या? किसान लगातार सड़क पर उतर करके, थोड़ा ज्ञान वर्धन करिए, मैंने कहा टीम बन गई क्या करण महाराज जी की? जो है मोर्चा खोले हुए हैं भारतीय जनता, नहीं आप मोर्चा खोले हुए सब देख रहे हैं, आप किसके खिलाफ वो एक अलग विषय है, लेकिन बिस्सी ये तो बता दीजिए भसीन साहब को कि करण महाराज जी की टीम बन गई या नहीं बन गई, भसीन साहब जी की दिलचस्पी उसमें है। तिलक जी देखिए, करण महाराज जी की टीम की चिंता करने की जरूरत ना आपको है ना देवेंद्र भसीन? नहीं, चिंता नहीं है सर, आप लोग सर आप लोग चाहे एक साल बाद बनाओ, दो साल बनाओ, तीन साल बनाओ, मेरे को क्या चिंता सर उसमें? करण महाराज जी आज उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आरिजन नेता है और पूरा संगठन एक, नहीं वो तो आपकी बात सही है, वो तो हरीश रावत भी है, प्रीतम सिंह जी भी है ना,
देखिए जिलों के गठन हो चुके हैं, जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, प्रकोष्ठों के गठन हो चुके हैं, केवल बीसीसी की लिस्ट आनी बाकी है और वो भी बहुत जल्द केवल आ जाएगी। और अभी भी जो कब तक आ जाएगी सर, ये भी बता दीजिए बसंत साहब को। तिलक जी बहुत जल्दी आ जाएगी बसंत, नहीं आप पिछले साल भी यही बात कह रहे थे, अब नया साल आ गया, नया साल भी अब गुजरने वाला है। तिलक जी जो अंदरूनी गुटबाजी में आज भारतीय जनता पार्टी है, जो दो दो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों पर, उसका जवाब दीजिए कि वो भ्रष्टाचार के भसीन साहब जवाब दे दीजिए देश की जनता को। शिषपाल जी कह रहे हैं हमारी टीम छोड़ो, हम बिना टीम के भी खेल सकते हैं। ओके शिषपाल जी, मैं बता देता हूँ भसीन साहब को, एक मिनट गुस्सा मत होइए, हेमा जी आ रहा हूँ आपके पास। जनता को नहीं मिल रहा है भसीन साहब, ये कह रहे हैं कि हम बिना टीम और बिना कप्तान के भी खेल लेंगे, मुकाबला तो करवा के देखो, हम बिना कप्तान के भी खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिना टीम की क्या जरूरत है, संगठन संगठन में टीम की क्या जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए पहले, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस बिना कप्तान के खेले, बिना टीम के खेले, हमें क्या आपत्ति है। आप रहिए ना ऐसा, हमारी जिम्मेदारी अपने संगठन को लेकर के, हमारे यहाँ तो बूथ स्तर तक पूरी योजना बन चुकी है, पूरे प्रदेश के अंदर 11,647 बूथ हैं और हर बूथ पर 11 सदस्यों की कमेटी बन चुकी है और उसके आगे बढ़ी है तो पन्ना प्रमुख तक बना दिए। आप तो जिला कमेटी और उस तक भी उलझे पड़े हैं, और उलझने की बात छोड़िए आपस में लड़ रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, कतई नहीं लड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति संगठन को लेकर के प्रश्न खड़े नहीं कर रहा है। हम एकजुट हैं और निश्चित तौर पर अगला चुनाव जो है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शानदार तरीके से जीतेंगे। क्या वाकई बसीन साहब के कॉन्फिडेंस के पीछे यही वजह है कि कांग्रेस कमजोर है, या फिर कांग्रेस ऐसा दिखाने की कोशिश की भैया कांग्रेस में गुटबाजी है और हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए ये तो आपस में निपट रहे हैं, हमारे सामने कौन टिकेगा। क्या कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत है? देखिए तिलक जी, देश की जनता को धोखा देकर कोई नहीं चल पाएगा, कौन है असली कौन है नकली ये तो वक्त बताएगा। तो धोखा देना और धोखा देकर जनता को बेवकूफ बनाना, ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। आपने किसके लिए कहा, शिषपाल बीस जी के लिए या बसीन साहब के लिए? अब डबल इंजन की सरकार जिसकी है, और जो मैं वही कहूँ कांग्रेस वाले तो मित्र हो गए ना अब आपके। बिल्कुल, देश को बचाना है तो देश को बचाना है, देश को बचाना है तो मित्र तो बनना पड़ेगा। विपक्ष अगर एक नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश लूट जाएगा। ओहो बिल्कुल, इस समय देश खतरे में है और इस समय लोकतंत्र भी खतरे में होगा ना। बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में ही है, संविधान भी खतरे में होगा। भाजपा तो चुनावी, इनका तो पंचायत का चुनाव जो है ना वो भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है। तो आप भी केजरीवाल जी के नाम पे लड़िए, कौन रोकता है मैडम। बिल्कुल केजरीवाल जी के नाम पे ही लड़ेंगे, अभी तक तो आपने यही कहा है ना। देखिए आपकी बातों से तो लगता है तिलक जी आप हमें ले ही नहीं रहे हैं कहीं। अभी आपने कहा भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, अब आपने आम आदमी पार्टी को गिना ही नहीं। मैडम अगर आप अपनी सीटों पर जमानत बचा लेते, आपके मुख्यमंत्री, मेरी बात फिर बुरी लगती है आप लोगों को, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे भी अगर जमानत बचा लेते ना तो अच्छा लगता है ना। अब छोड़िए इस बात को, मेरे से खामा का बुलवा रहे हैं आप। कितने परसेंट वोट आए आपके? धीरे धीरे जनता समझ रही है, और कितना जनता समझ रही है। देखिए मुझे बता रहे थे पिछले कार्यक्रम में कि आपकी टिकट जो है बीजेपी वालों ने फाइनल की, और आज आप कह रहे हो कि विपक्ष होने के नाते हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये ह्यूमर तो फैलाते ही हैं बीजेपी। ह्यूमर नहीं है मैडम, इस तरह से ह्यूमर तो आपके नेता बोल के गए, सरे बाजार बोल के गए, और उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में चले गए, और आप कह रहे हो बी टीम वो है। देखिए तिलक जी, उनको महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं यहाँ पूरी नहीं हो सकता है। भाजपा आज तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो भाजपा में जाने के बाद तो उनको ऐसे मिला दिया बिल्कुल, चुप्पी उनको ऐसे बिठा दिया बिल्कुल। तो इनका तो यही रहता है, इनका लोटस ऑपरेशन लोटस तो चलता ही रहता है इनका हमेशा। और ये इनके प्रट्रेन करके कैसे जीत हासिल करनी है, इसी में इसका इनका दिमाग रहता है। इनको देश की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अभी ऑपरेशन लोटस के शिकार हैं। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ना, अभी 507 राज्यों में जो है अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसमें जो है जिस तरह से किरकिरी धीरे धीरे भाजपा की होती जा रही है तो नजर आ रही है सबको। कर्नाटक में ले लीजिए या महाराष्ट्र में ले लीजिए, तो किस तरह से जनता इनको नकारती जा रही है और ये बड़े बड़े वादे इनको बड़ा। यानी हेमा जी आप ये कह रहे हैं कि आप पांचों सीटों पर कांग्रेस का साथ देंगे लोकसभा में, आम आदमी पार्टी लड़ेगी।
आप लड़ेंगे, 5 सीटों पर प्रत्याशी हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास प्रत्याशी हैं और हमारी जो है अपनी रणनीति चल रही है, हमारे प्रभारी आप लड़ेंगे और भी और आप साथ में भी, ये मैं समझ नहीं पाया। सह प्रभारी साथ में है? नहीं नहीं, साथ में है और लड़ेंगे भी, ये समझ नहीं पाया मैं। नहीं नहीं, हमारा जो है अभी संगठन पूरी तरह मजबूती से बन रहा है। नहीं, वो तो पिछले 2 साल से बन रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं मुस्कुराइए मत, 2 साल से आप बना रहे हैं संगठन, मुझे मालूम है। नहीं, संगठन बना हुआ है हमारा। अभी फिर पूछूंगा अध्यक्ष कौन है, प्रभारी कौन है? नहीं, प्रभारी और सह प्रभारी अभी चेंज हुए हैं। हाँ चेंज हुए ना, अभी नए आए हैं। नए आए और अब और अध्यक्ष कौन है जी? अध्यक्ष कौन है अब? नए तरीके से मजबूती से बनेंगे अध्यक्ष की दौड़ में। बनाइए, कोई बात नहीं, आराम से समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि आप ये कह रहे हो कि 5 प्रत्याशी ढूंढ लोगे आप लड़ने के लिए, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा आपके लड़ने से, जैसे विधानसभा में हुआ? कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत लड़ेगी, हम अपनी रणनीति के तहत। अभी तो आप कह रहे थे हम साथ साथ हैं। नहीं, साथ साथ तो विपक्ष तो होगा ही, साथ ना कैसे मैडम, आप एक तरफ नुकसान भी पहुंचाएंगे, हम साथ साथ हैं। नुकसान तो सिर्फ एक को होगा जो धोखा देने वाली पार्टी है। अब देखिए आप बीच ही बड़ी कंफ्यूजन है, वो कह रहे हम साथ साथ है, फिर कह रहे कि लड़ेंगे, 5 प्रत्याशी ठोक बजाकर टिहरी में भी, नैनीताल में भी, सब जगह लड़ेंगे हम, हरिद्वार में भी। देखिए तिलक जी, देश में लोकतंत्र है और जो भी राजनीतिक दल है उसको अपने जो भी उसका एजेंडा है, जो उसके कार्यक्रम है उसके अनुसार अपने कार्यक्रम चलाने का। फिर ये मत बोला करो ना, ये बी टीम है, आप लोग ही बोलते हो ये बी टीम है। देखिए वो तो बी टीम है ही, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ती है वो कांग्रेस को नुकसान होता है, इससे कोई दो छुपा नहीं। लेकिन आज ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हेमा भंडारी आप बीटी में अभी के सामने, ये दाग कैसे धुलेगा? सामने खुल रही है हेमा भंडारी, सामने खुल रही है महंगाई और बेरोजगारी पर, देश की जनता लामबंद हो रही है। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना को लाकर के इन्होंने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है, आज देखिए जिस प्रकार से अडानी सेम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, देश के प्रधानमंत्री उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उत्तराखंड की अगर बात करें, बेटी अंकिता भंडारी के मामले में बीआईपी के नाम पर मातृशक्ति लगातार सवाल खड़े कर रही है, नौकरियां भेजे जाने के मामले में बेरोजगार लगातार सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनके साथ में नौजवान है ना मातृशक्ति। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने बताया था, अभी पुरानी बात, 2014 में आपने एक नारा दिया था चौकीदार चोर है, पर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। अब हर वक्त ऐसा मत बोला करिए, गुमराह कर दिया। संगठन की बात, हिमाचल में गुमराह हुई क्या जनता? जनता को बेवकूफ समझते हैं आप? सबसे ज्यादा सक्रिय है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सबसे ज्यादा सक्रिय है कांग्रेस के नेता, सबसे ज्यादा सक्रिय है बसीन साहब के बीच में, जनता के हर दुख बसीन साहब। ओके ओके, मैं शीशपाल जी आपकी बात ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप हरीश रावत इतने जबरदस्त एक्टिव है, आप देख नहीं पा रहे हैं। एक मिनट मैं बोल देता हूँ, हरीश रावत इतने एक्टिव है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा हरिद्वार में, और हरक सिंह रावत भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ, हमें इनके साथ जरूर मजबूत करने आपके बीच में बोल रहा ना मैं, लेकिन बिना पब्लिक के मजबूत करके क्या होगा? देखिए जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हरीश रावत जी की सक्रियता हो किसी और से हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम कांग्रेस की कमजोरी पर चुनाव नहीं जीतते, हम तो अपने नेतृत्व के नाम पर, अपने कार्यक्रमों के नाम पर, संगठन की मजबूती के नाम से जीतते हैं। अभी हेमा जी कह रही थी कि हम मिल करके लड़ेंगे, हमारे एक सहयोग और भी मिलता है सर, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला भी सहयोग होता है ना सर? जी जी, है ना। दूसरी बात ये है कि हेमा जी ने कहा मैं मिलके चुनाव लड़ेंगे, हमारे यहाँ तो स्पष्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और जीतने के बाद निश्चित तौर पर वही प्रधानमंत्री बनेंगे। कृपया, कांग्रेस के प्रवक्ता ही मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही मौजूद हैं, तो ये तो बता दें कि विपक्ष का नेता कौन होगा? नहीं है इनके पास। केजरीवाल जी भी दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, इनके राहुल जी भी दावेदार हैं, और जो ये विपक्ष खड़ा हो रहा है जिसपे सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी को ईडी पकड़ रखा है, कोई सीबीआई की जांच के घेरे में, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री के दावेदार, भाजपा के नेता हैं, सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आप देखिए ना, भाजपा के सांसद तो महिलाओं को इज्जत तक करना नहीं जानते। अभी हेमा जी ने कहा कि वे पात्र, हेमा जी बात सुन लीजिए, हेमा जी नहीं बोलते, मोदी जी एक शब्द, मोदी जी क्यों नहीं बोलते? हेमा जी ने कहा कि हम पात्र से लड़ेंगे,
हमने बंद नहीं कर रखा, हमने तो आरोप लगाया हमारी एजेंसी ने और सुनिए ना, अरे आप बात तो सुनिए, आप तो न्यायालय की भी सम्मान है, आप तो न्यायालय का सम्मान भी नहीं है हिमा जी, ऐसी बौखलाहट क्यों है, ऐसी बौखलाहट क्यों है, आप तो न्यायालय में बंद कर रखा है, हम भी न्यायिक हिरासत में है, अरे आप परेशान मत होइए, आपके जो कर्म के सामने आएंगे ना, आपके जो कर्म है वो सामने आएंगे, ईडी या सीबीआई निर्दोष तो नहीं पकड़ रही है, जो निर्दोष है उनको छोड़ा नहीं जाता, जो दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाता, ये एक सीधा सीधा सिद्धांत है, आपके सत्यदेव जेल में न्यायालय ने कहा, आपके सत्येंद्र जैन जेल में न्यायालय ने कहा, अब आप किसने बौखलाहट कर रहे हैं और अंकिता जैन की बात करते हैं तो न्यायालय ने मान लिया। हेमा जी एक एक मिनट, हेमा जी गुस्सा मत होइए, हेमा जी ओके ओके, नहीं नहीं बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, जो जो मंत्री रहकर रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दे, शर्म तो आनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं होता है। एक मिनट बिश जी, मैं ये कह रहा था वो हरिद्वार में हरीश रावत पक्का चुनाव जीत जाएंगे इस बार, लगता है आपको? देखिए तिलक जी, आप हरिद्वार की बात छोड़िए, उत्तराखंड की पांचों की पांचों लोकसभा, नहीं मेरी दिलचस्पी अभी हरिद्वार में है तो फिर मैं पांचों सीटों के विजिट करूं, पर हरिद्वार में ज्यादा दिलचस्पी है, मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं केवल हरिद्वार तक क्यों सीमित रहूं, नहीं मेरी मेरी छोटी सोच है, मैं हरिद्वार तक सीमित हूं, और बोलिए लोकसभा सीटें जीतेगी, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, प्रवक्ता हो आप तो हरिद्वार का भी जवाब दोगे ना, सरकार की नाकामयाबियां, मैं कह रहा हूँ ये नाकामयाबियां सब कुछ है, हरिद्वार में क्यों भाग रहे हो, हरिद्वार तो बताओ, हरिद्वार से हरीश रावत जीत जाएंगे चुनाव, निश्चित तौर पर हरीश रावत जी उत्तराखंड के जन नेता है, उत्तराखंड की जनता उनको प्यार करती है, हरिद्वार की जनता भी उनको प्यार करती है, अगर पार्टी उनको टिकट देगी निश्चित तौर पर, एक काम करिए अपने सहयोगी, ये जो क्लिप है काट के, एक मिनट शीशपाल जी ने जो कहा कि हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, एक मिनट शीशपाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरी बात कर लीजिएगा, अभी जो शीशपाल जी ने कहा इतने ही क्लिप उठाकर हरक सिंह रावत जी को भेज दीजिए प्लीज, हाँ पूरी बात करिए अपनी जनता पार्टी में, आप पूछिए कि रानी महारानी का क्या हाल है, आज पौड़ी में उनके सांसद कहाँ है, जनता ढूंढ रही है, हरिद्वार में जो है जीतेंगे जीतेंगे, आप परेशान मत होइए, आप अपनी चिंता करो, यहाँ पर हम तो पांचों सीटें जीतने वाले हैं, हमारे यहाँ कोई आपस में भेदभाव नहीं है, किसी तरह मत भिन्नता नहीं है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेता मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश के लिए चुनाव लड़ेंगे, आप तो प्रदेश के एक नहीं हो, राजस्थान में है तो गहलोत जी सचिन पायलट जी भिड़े पड़े हैं, केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व चुनौती दी जा रही है, इसी प्रकार पूरे देश का हालत खराब है और दक्षिण के राज्यों में बुरे हाल है। एक मिनट, अच्छा शीशपाल जी अच्छा अब गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, मुबारकबाद, ये लोग पांचों सीटें जीत गए बस, ठीक ओके। एक मिनट बसीन साहब जी, आपकी पार्टी में संगठन के स्तर पर तैयारी हो रही है, ठीक है अच्छी बात है, होनी चाहिए, आप लोग हर वक्त चुनावी मूड में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके पांचों लोकसभा सांसद नदारत रहते हैं, गुमशुदा, ये फिर समझ से परे है, क्यों नहीं, हमारे पांचों लोकसभा क्षेत्र में हमारे सांसद जाते हैं, जनता सीधा उनका संपर्क है और जो जनता के लिए काम करने हैं वो कर रहे हैं, पांचों सांसद और हमारा संगठन भी साथ काम करता है, हमारी प्रदेश सरकार भी काम करती है, गवर्नमेंट की सरकार हमारा काम करती है, कुल मिला के जनता की जो अपेक्षाएं हैं केंद्र से है या प्रदेश से है उसको हम पूरा करते हैं। अच्छा हेमा जी, आप लोग पांचों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी तैयारी कर रही है पन्ना प्रमुख, एक बात, एक मिनट हेमा जी वो आप बना लीजिएगा 24 के बाद अपना अध्यक्ष बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रदेश में बूथ कितने मालूम है आपको, वोटर कितने मालूम है, बूथ ही नहीं पता होंगे इनको, मैं बोल देता हूं 11,647। हेमा जी जी, गूगल देवता की शरण में मत जाइए, नहीं नहीं मैंने म्यूट कर रखा था म्यूट कर रखा था
भसीन साहब प्रोफेसर है, पढ़ाई अच्छी करवाते हैं, कई बच्चे तो मैंने कहा ना वैसे चुनावी राजनीति में भी पढ़ाई है, तो चुनावी पार्टी है तो इनको तो यही इनको ये जनता से थोड़ी मतलब रहता है अब अगला चुनाव कैसे जीतना है, कौन हाँ। से बूथ में क्या करना है, कहां मुझे एक बात बताइए कुल मिलाकर आज कोई बात नहीं, किसको कितना पैसा देना है, किस बूथ पे कितना वो करना है, खर्च करना है, और यही तो चलेगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं, कर्नल कोठियाल बिकाऊ है क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं, कर्नल कोठियाल बिकाऊ है? कम से कम एक फौजी का सम्मान तो करिए, आज आपके साथ नहीं है, कम से कम एक फौजी का सम्मान करिए। नहीं सम्मान मैंने अपमान नहीं किया। नहीं तो आप बोली वही रहे, ये इनका जो इन्होंने मैंने अपमान नहीं किया, ठीक है, अपमान नहीं किया, ओके, मैं तो कांसा है, इन्होंने उनको क्या सपने दिखाए, अब ये तो वो जाने, ओके ओके ओके। लेकिन कुल मिलाकर शिषपाल बिस्सी कह रहे हैं, मैं ऑफिशियली बोल देता हूँ, हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव जीतेंगे हर हाल में, कुछ भी कर लो, कोई कुछ भी, हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव जीतेंगे। बेसिक गुस्सा मत हुई, आपने बोला मैंने वही बोला, हरीश रावत चुनाव जीतेंगे, मैं कह तो रहा हूं, आपने जो बोला हरिद्वार से वो चुनाव जीतेंगे, शिषपाल बिस्सी कह रहे हैं, ओके बिस्सी, हाँ हरक सिंह जी को भेज देंगे, ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका भी, भंडारी जी आपका भी, और शिषपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीदी दादा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।